जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे माधवा जय जय राधे कृष्णा गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे एक बादशाह को वैराग्य हुआ। बल्लक बुखारी का बादशाह था, घर छोड़ के जंगल में जाना चाहता था भजन करने के लिए। मंत्रियों ने कहा, महाराज जो भगवान बाहर मिलेंगे वो घर में भी मिल जाएंगे, घर वर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं। तो राजा के मन में वैराग्य उठा, वो मंत्रियों ने दबा दिया। अब आधी रात को स्वयं श्री कबीरदास जी महाराज आए, एक मारवाड़ी ऊंट बेचने वाले के रूप में, एक हाथ में मशाल लिए हुए थे और दूसरे हाथ में एक ऊंट पकड़े हुए थे, और राजा के महल में ही प्रकट हो गए और ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ खो गया ढूंढ रहे हैं। तो राजा ने कहा, अरे भाई कौन हो तुम, कैसे आए हमारे महल में, कैसे घुसे यहां तक, क्या किसी पहरेदार रक्षक ने रोका नहीं? अरे महाराज बताऊं क्या हुआ, ये एक हमारा ऊंट खो गया था तो ऊंट ढूंढने के लिए चला आया। अरे बड़ा मूर्ख है, ऊंट ढूंढना है तो जंगल में ढूंढ, ऊंट क्या तुझे महल में मिलेगा? तो वे तो सिद्ध संत कबीरदास जी थे। तुरंत कबीरदास जी बोले, महाराज जब ऊंट जैसी तुच्छ वस्तु ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, वो महल में नहीं मिल सकती, तो फिर भगवान महल में कैसे मिल जाएंगे, उनके लिए भी आपको महल छोड़ना ही पड़ेगा। राजा उठा और उसी क्षण चरणों में गिर गया, महाराज आप कौन हैं, आज तो आपने मेरे हृदय के संदेह को दूर कर दिया, दिन में कुछ राज्य छोड़ने का विचार ही बन रहा था कि मंत्रियों ने उस विचार को बदल दिया कि जो भगवान बाहर मिलेंगे घर में भी मिल जाएंगे। अरे घर में मिले तो तब मिले, घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, मोह ममता में चित्त पागी है पे पागी है। घर में रहते रहते मोह ममता से मनुष्य दूर नहीं हो सकता है, नाती पंती संति न जाने किन किन का मुंह देखने की इच्छा बनी रह जाती है, मरना ही नहीं चाहता। इसलिए जीवन में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए मनुष्य को, वर्ष में एक आध महीना नहीं तो 10 दिन 15 दिन धाम में जाओ, वहां संतों के सानिध्य में रहो, सत्संग करो। बिना सत्संग सुने किए ये सब मोह ममता छूटने वाली वस्तु नहीं है, अनादिकाल से अनंत जन्मों से ये मोह ममता के जो पाश हैं, ऐसी जो ग्रंथियां हैं, अजर अमर पाश हैं, जो छूटने वाले नहीं है। ये आसक्ति केवल सत्संग से छूटेगी, केवल सत्संग से। इसलिए आयु का कुछ भाग सत्संग में अवश्य जाए। और सत्संग की जीवन में क्या उपादेयता है और क्या आवश्यकता है, यही तो सत्संग की अनिवार्यता है, इसीलिए तो आवश्यकता है। बिना सत्संग की मोह ममता से जीव दूर नहीं हो सकता। yeah.